एठी पुराणा विग्रह को कौन करा जाए पाताली करा जाए नूतन विग्रह श्रीमंदिर श्रीवत्स खंडशाला सिंहासन विराजमान करती आम दे पारे भगवान तुमको स्वप्न में कहले आमको तो किसी आदेश ना तापर से राजा शासन राजा को पचार जब सीए दे पारे आमर किसी कहार कथा ना तत्कालीन समय गजपति महाराज पाखे से ही संत महापुरुष हरिदास जाकर नवेदन कले महाराज भगवान मत स्वप्नादेश आपणकर नवकल्पर हम जो महाप्रभु नूतन विग्रह ए पुरातन विग्रह को आप पाताली करेंगे पाताली न कर मत दिं महाप्रभु जमुना कूल टी लीला करने को चाहूंट कहीं जगतगुरु शंकराचार्य लिखिंट ना कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जो जगद्गुरु शंकराचार्य सर्वम खलिदं ब्रह्म ओयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म तत्त्वमसि वाक्य वेद वाक्य सब पीठ को प्रतिष्ठा करते जिते श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करते कृत्य हो जाते कहले तुम्हें सही ना खेली कदम मूलिया जमुना कूलिया वंशीधारी हे प्रभु मुझे जान ली आप परिचय आप किए भुजे सभ्य बेणु शिशि शिखी पुछम कटि तटे दुकुलम नेत्रांते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद वृंदा मन बसती लीला परिचय श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें हे महाप्रभु मुझे जाणी आपण आपण से शिखीपुच्छधारी आपण से वंशीधारी तो आपण चरण में कोटि कोटि प्रणाम आपण नयन पथर गामी हूँ हरिदास आसी प्रार्थना कले कह महाराज भगवान आदेश है मो प्रति तो आपण जदि अनुग्रह कर जो प्राचीन मूर्ति की पाताली करने को चाहूंट से ही मूर्ति की मत दिंते मुझे जमुना कूल महाप्रभु ना एक घाट करती जगन्नाथ घाट आ जमुना कूल मंदिर कर महाप्रभु को सेवा करती रजा मध्य मना करदे कहले से परंपरा ना शास्त्र ना के मूर्ति के अग क्या दबार विधि व्यवस्था ना ना दिह पारना आज पर्यंत आम श्रीमंदिर रश्मि विग्रह जा जो पूजा पाँच तो हरिदास महाप्रभुकर महाराज आश्रम से ही आश्रम महंत आम गहन में बसी भक्त चरित माड़े जहाँ कथा वर्णना करम पूज्य ज्ञान प्रकाश स्वामीजी आमर केते थर मध्य मंदिर प्रांगण में श्री जगन्नाथ पंचरत्र कार्यक्रम बड़े प्रेमर सहकार महाराज एत सहयोग से कार्यक्रम पर गोटे विशाल साधु सम्मेलन थी महाराज जी आसते सेठी की तो जितने देखिले महाप्रभु परिसर में कार्यक्रम होम ग्रहण को छुट्टी आशाल मेल रस प्रबल सुर सरिता कूल विशाल मेल रस प्रबल सुर सरिता कूल तक्षक काल जहि निश्चल अंतर ईक्ष स्थल 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 बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। पवित्र गंगा नदी कूल में विशाल मेला लगता विशाल मेल रस प्रबल सुर सरिता कूल सुर कहिले देवता सरिता कहिले नदी देवता मानकर नदी होती गंगा नदी गंगा नदी कूल में विशाल मेला पड़ता परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी परम विष्णुभक्त वैष्णवकूल सम्राट महाराज परीक्षित श्रीमद भागवत श्रवण करुले आज पवित्र दिन भागवत जन्म जो पवित्र दिन में भगवान कौन करुले से अमृतमयी भागवती कथा को श्रवण करुले सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित वेद को जदि एक कल्पवृक्ष धरा जाए से कल्पवृक्षर परिपक्व फल होती कौन श्रीमद भागवत से आम अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कलम कर सकल वेद होई वृक्षे फल फणिले अंतरिक्षे गोविंद 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 पदुगणुषि मकरंद केते दिने पाची फाड़े
मृत्यु पड़े बाबू बड़े गोविंद 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 पद गड़ुची मकरंद शुक धाइले ताहा देखी पक्षी का संगत देखी गोविंद 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 पदुगड़ी मकरंद मुखे अधर क्षत काले भीतरे सुरंग देखिले गोविंद 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 पदुगड़ी मकरंद कहु गलिला रस सार बादे बापटांतर गोविंद 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 पदुगड़ी मकरंद अमृत निंदे स्वादुपणे सुजने प्रिय अनुचणे गोविंद 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 पदुगड़ी मकरंद श्रीमद भागवत भगवान की जय। अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते सकल वेद हो वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे केत दिने पाची फले वृक्ष पड़े वायु बड़े आम साधारणत फल को दि प्रकार प्राप्त होता है केमी ना केतक गच्छे फल पचिकी तले पड़े ताकू खाइबा तार स्वाद आउ फल दर पकला आंकुड़े छिंडे आर्बाइटी देकर पचेबा तार स्वाद कौटा भल हम आप कहे जोटा मन को मन पचिक पड़ो सहीटा स्वादिष्ट हे ना जबरदस्त पणस को गईठा मारी पचेला भाया कले हम कि स्वाद हम कि हेनी तो ये वेद रूपी कल्प वृक्षर परिपक्व फल होती कण श्रीमद भागवत तो गछरे जिते फल फली थाए सब फल सुआ थंट मार ना भगवान ताठ गोटे शक्ति जोटा मीठा फल सी जानव से चंचु लगे तो ये वेदरूपी कल्पवृक्षर जो परिपक्व फल होती श्रीमद भागवत ये सुखदेव हूँ किए परमंस चूड़ामणि भगवान वेदव्यास तपस्या पुत्र मुहरें ये कथि प्रकाश होवर यात्री खाली मधुर मधुर अत्यंत मधुर बाहर मुहुर मुहुर रसिक भूमि भावुका खाली रस निर्गत है कहीं आम जाचे आम जेत प्रकार फल ग्रहण करुचे खाद्य रूप से सब फल कि ग्रहण करवा जिनस अच्छी आई बर्जन करवा जिनस अच्छी आपण नड़िया खाइले सड़ेकी फोपाड़े कता को फोपाड़े कदमी खाइले छेलका को फोपाड़े फल जदि से खाइबे चोपा को फोपाड़े ढेपू को फोपाड़े मंजी को फोपाड़े जिते फल अच्छी सृष्टि किसी ग्रहण कले आप कि फोपाड़ती किंतु ये जो भागवत रूपी फल वेद रूपी कल्पवृक्ष फलिले यार फोपाड़ा जिनस कौन आईला जिनस कौन कहले एथेरे खाइबा जिनस किछि नाही कि फोपाड़िया जिनस किछि नाही मुहुर रसिका भूमि भावुका हे रसिक माने ये केवल पीवा जिनस जिते पारुच निजर कर्णपुट को पात्र कर पी जाओ जिते पारुच पी जाओ ये खाइबा जिनस नुह कि फोपाड़िया जिनस नुह केमिति करिबो ना पीबतं भागवतम रसमालय मुहुर रसिका भूमि भावुका ये हूँ रसर आलय हे रसिक माने हे भावुक माने जिते पारुच पी चाल पी चाल पी चाल तेणु ये जो सुखदेव मुहरें कथा बाजबार तार रस आहरी शहे गुण अधिका बढ़ीगला तेल से सुखदेव किए कि भाव आसिले आमती भागवत श्रवण करे बड़ सुंदर कथा वैष्णव मानक श्रेष्ठ होती भगवान शंकर शंकर भगवान वैष्णव मान यथासबु सी हूँ परम भागवत सबू देवता मैंने चिंता कले ये भागवत को लोकमुखे प्रचार प्रसार करने शंकर जदि ये प्रचार कार्यटी आरंभ हंता तेल बहुत भल हंता हेले बाबा तो भोलेनाथ ताखु ये कथा को आदाय करिव किए कह किए सबू देवता चिंता कले देवर्षि नारद को ये दायित्व दवा सीए कौन सी प्रकार निजर बुद्धि बल खर्च कर भगवान शंकर केमी भागवत आनयन करेंगे ताकि छाड़ी दि जाऊ प्रकृत ताला कहीं देवर्षि नारद होती देवता मानक सांबादिक जिते आजिकाली आधुनिक जुगर इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया जिते व्यवस्था अच्छी सबुतर गुरु होती देवर्षि नारद कहीं नारद शब्दर अर्थ कौन नारंग
ददाति नारद ददाति इति नारद नारंग शब्द अर्थ होची ज्ञान जे सबुआडे बुलिकरी ज्ञान वितरण करंती तांको ना होची नारद देवर्षि नारद को देवता माने कहले महाशय आपण टिके कोन व्यवस्था केंदि करंती हेले जेमिति भगवान के कथा लोक मान के भीतर प्रचार प्रसार कहबो टिके जानत कलासपति भगवान शंकर को प्रार्थना करंतु ना तो शंकर भगवान को पाखकु जिबे देवर्षि नारद बाहरी पड़िले साथीरे तांकर सबुबेले गोटे बीणा थाए जो बीणार श्रीमन नारायण 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 नाम कीर्तन करी चलती आज देवर्षि नारद कलास अभिमुखे चलिले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय नारायण नारायण कीर्तन करी जेतले कलास पर्वत रे पहुंची जाइछंती बाबा भोलेनाथ आश्रम रे नांती तो माँ पार्वती देखी आसे बाबाजी महाप्रभु आसी साधु सन्द मान को तो देवता मान भी सम्मान थिला तो जमी माँ पार्वती आसिले कहे आहा हा हे महाराज एडे बड़े कृपा केमती है आप केमी आसिले तेज कौन सेवा करने को अच्छी कहतुना माँ पार्वती जिते पचारूंट ना माँ कौन आवा दरकार बाबाजी लोक टी बाबा भोलेनाथ पाखे मोर कि काम था आ बाबा तो नहाँ आश्रम तेल मुझे जाऊँगी अरे कौन काम अच्छी मत कहीदि मुझे बुझी रखी ना कथाटी कौन कि बाबा तो नहाँ पचारि क्या अरे मत पचार ना माँ गोटे कथा पचारे को आसी आपन टे प्रभु को पचारि बुझे ना ना कौन ना भगवान शंकर गलारे जो खपुरी माल को पकई से खपुरी कहार आतेटा एतक बुझे माँ सती पार्वती पूर्वावस्था से चिंता कले प्रकृतरे तो मु तो केबे भगवान को पचारिणी सुना रूपा हीरा लीला मोती माणिक वैदुर्य केते कौन थी महाप्रभु कहीं खपुरी माला पकईंट कि तो पचारिणी ना आज टी पचारतु कौन कहते प्रभु देखा एतिक कही शंक माने देवर्षि नारद चलीगले आउ माँ सती से रोसे करेंगे कौन खाइबे कौन पूरा घोषी होती केमी हेल्ले स्वामी पहुँचु पहुँचु मुखे ये प्रश्न टी पचार जेमिति शंकर भगवान आश्रम आसी पहुँची गले आउ सती विलम्ब नक कहले प्रभु भितर को जीवा पूर्व आग मो प्रश्नर उत्तर दे सारत भितर को जीवे अरे कौन घर को गले उत्तर दे पारे ना 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 मत आग ये उत्तर देवाक हम ना तेज प्रश्न कौन अच्छी कहतु माँ सती पचार प्रभु आपण गलारे जिते खपुरी माल पड़े कहार आतेटा ये बड़ विषम प्रश्न शंकर भगवान हाथ आग मुंडू को ने कहीं मुंडेरे ज्ञान रूपी गंगा अच्छा गंगाधर सी तो कहले सती गोटे कथा पचार भी सत कह ना ना कौन ना आज आम आश्रम आड़े किए अतिथि अभ्यागत आसते कि ना हाँ जड़े बाबा आसते ना से गोटे एमती बीणा धरी कि ना आज्ञा एकदम सत कथा हसीदे कहले ये प्रश्न तुम नुह तुम्हें बुद्धि पड़ मत ये प्रश्न पचारुचना देवी तेब उत्तर कहू जो सत कहले सती मरे सत कथा शुणब ना हाँ कहतु कहीं आपड़ जो गलार पकई कहार आतेटा भगवान शंकर कौन कहले कहले जुग के गोटे पार्वती तोहरी परी जाऊंती गोविंद 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 पदुगढ़ श्री मकर मोहर मन हारी से ही मुंड माला करी चाई गोविंद 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 पदुगढ़ श्री मकर तू नारी देवे हे बुह तो मुंड मेरु हे बे थ गोविंद 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 पदुगढ़ श्री मकर बोल श्रीमद भागवत भगवान की जय केड़ी सुंदर भाव यह भी जगन्नाथ दास कृत पद्मकल्प टीका गुप्त भागवतर कथा तो पचारुंट जुग के कहते जुग के गोटे पार्वती तोहरी पड़ जाऊँगी कहले हे पार्वती प्रति युगरे तोरी भलिया गोटे पार्वती सहित मोर बहागर हुए
युग सरीगले से शेष हो जाती बोली चली जाती कौन करी से सीना चली जाती खपुरीटा को आणिकी अति भल पाई तो तेणु मुझु अर्धनारीश्वर मोर अर्धेक शरीर नारी के प्रदान कर मो ना हूँ अर्धनारीश्वर तेणु मो से पत्नी मान देह सीना नष्ट हो जाए मुंडी खपुर टी आणिकी माला कर रखी तोरी भाया शहे आठ गले तु भी जीवु पार्वती डरीगले कहले कौन है मुँह भी जीवि ना हाँ ना मुँह गले मत कौन करे ना तो जानन कि शहे आठ माड़ी जो थी गोटे मेरुमाड़ी थी जो मैंने जप करूँ सब झूला अच्छी गोटे मेरुमाड़ी देखिए से मेरुमाड़ीटा जमी आम मैंने माड़ी पकड़े लकेट थाए शेष आमती माड़ी में झूला माड़ी भितर जो आम जप करुते महाप्रभुंर शहे आठ जिते हो तार सेटर में गोटे माड़ी थाए ये हूँ मेरुमाड़ी जप कला बेलू ये माड़ी अतिक्रम कर जीवा हुए ना से पुणी हाथ को फेरिया पड़ तेणु तु जो दिन मरबू ये शहे आठ माड़ी होते ए मेरुमाड़ी कर पकईबि अच्छा कौ स्त्री एक शुणिले खुशी हम कहले संगे संगे पार्वती कहले मोरी सांगे शहे आठ गले मुँह भी जीवि मो संगे के गले तो संगे के गले तु कि न जाऊ सूल पाणी गोविंद 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 पदु गड़ुची म करंद तु कि न जाऊ सूल धर तु कि न जाऊ जमपुर गोविंद 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 पदु गड़ुची म करंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय बड़ा विनम्रतार सगरे पचारे कहे स्वामी गोटे कथा कहि आप दुख करेंगे तो अरे ना 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 आपण सांगे शहे आठ गले आपण भी जीवे ताले मु भी जीवि ना आपण सांगे शहे आठ गले आपण अच्छा मुझे चली जीवि कितु आपण कौन से जगह को जाती कि तो संगे केतेक गले तुकी न जाऊ शूलपाणी तुकी न जाऊ जमपुर तुकी न जाऊ शूलधर हे भगवान शंकर आपणकर कौन से जगह को जीवा हुए ना कि ताने प्रकारांतर पचारे मोरी भाया शहे आठ मरीगले मुझे मरबी स्वामी की किमती एड़ बड़ कथा मरिया कथा कहे आपण कौन से जगह की जाती नहीं कि बागे पचारे शंकर भगवान हसी हसी कहले देवी तुम्हें जाचना मोर गोटे ना हूँ मृत्युंजय मु मृत्यु को जय कर मो ना मृत्युंजय ना आपण कौन एमती औषध खाई जहाँ को खाला समस्ते रोग हेले दबे निबे दवापाई औषध खाती आपण कौ भाया दबे खाई मृत्यु को मध्य दबी कौन से औषध जहाँ को खाला आपण को मृत्यु स्पर्श करूनी मृत्युंजय ना देवी से होती ब्रह्मज्ञान भागवत ज्ञान जो ज्ञान को प्राप्त होगापर इदं ज्ञान उपाश्रित मम साधर्म्य मागता स्वर्गपी नोपजायते प्रलयन व्यथंती जो ज्ञान को जाणापर प्रलय जो ज्ञान नष्ट हुए ना सी होती भागवत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ना स्वामी जदि आपण शरीर अर्धेक जगह दे मत अर्धांगिनी रूप से बसई थवर आपण ना हूँ अर्धनारीश्वर तेरे मोर कौन से ज्ञान रू कि जानवर अधिकार ना स्वामीर संपत्ति में जदि स्त्री अधे संपत्ति में मालिकाणी तेल मुंपर पत्नी आपण ज्ञान कौन मालिकाणी मुँह नुह मत कि जानवा दरकार ना से जो ब्रह्म ज्ञान को आयत कलापर आप मृत्यु को जय कर हे प्राणनाथ मोर आपण विनम्र प्रार्थना मत कहतु से ज्ञानटा कौन से भागवत ज्ञान कौन मुझे जानवाक चाहिए जिते व्याकुल भाव से भागवत तत्व को उपलब्धि करने जानापी माँ पार्वती प्रार्थना करिछन्ति भगवान कहिछन्ति कहिबी जे किंतु एटी हाट मझीरे ब्रह्मज्ञान के जितोले गोटे केही नथिबे एकुटिया जगह से भली जगह रे कहिबा दिने भगवान शंकर सहित माँ पार्वती जाउछन्ति एकुटिया जगह पड़गला एकाम्र कानन एकाम्र माने एकुटिया जगह विशाल बट वृक्ष मूल में भगवान शंकर भूतभावन भोलेनाथ बसी माँ पार्वती पचारिदे कहले प्रभु तो आपण मत कही ब्रह्मज्ञान भागवत ज्ञान शिक्षा देवे बोली ना तेज आज तो से सुजोग अच्छे मत कह हूँ भगवान शंकर चतुर्पार्श्व को चाहिए कारण ये ब्रह्मज्ञान अति गुप्त ज्ञान ये गुप्ताच मुक्ता तेणु गोपने रखा कथा काले प्रघट ही जीव तो आनी तो स्त्री न छोड़ बंदा स्त्री छाड़क चाहूनी तो कहे कहिया पूर्वर जिते जीव थे शंकर भगवान तंग जोग बल समस्त सुप्त करदे एकम्र पार्वती शुणुंट शंकर भगवान कहते बड़ आश्चर्य कथा नृसिंह पुराण में वर्णना अच्छी से जो विशाल बटवृक्ष मूल में भगवान शंकर भागवत ज्ञान माँ पार्वती की श्रवण करुले तारी से गछर कोरड़े शुआ पक्षी डिंब देता
ये माने देवता माने चिंता कले कि भाव में भगवान शंकर कहुवा कथा को जन जनादृत हो पार लोक मानी पहुँच पार किए शुणवा किए कह तेणु से मैंने कौन कले देवता मैंने निद्रा देवी की पठेले जोग माया को पठेले कले जोग माया आपण जा कौन करतु पार्वती की निद्रे मोहित कर दिं आए पार्वती शुणुले हाँ हाँ मारुले निद्रे जो मोहित हो शपड़ से समय कथाटा कौन से जो डिंब फुटी छुआ होती पार्वती हाँ हाँ मारी छाड़ी से शुआ पक्षी हाँ हाँ मार आरंभ कर आउ ये तो भागवत चर्चा कर चली शंकर भगवान हठात शंकर भगवान जो निज पत्नी की चाहिए देख ला बेलू से निदरे घुंगुड़ी मारे अरे ये तो निदरे शोला हाँ हाँ मारा किए धरले त्रिशूल गोड़े किए किए बोली जो उड़ेई भगवान शंकर होती किए ना संहारकर्ता सीए जो मारिया को गोड़े रक्षा कर किए से समय से सुख पक्षीटी जीवन रक्षा करने उड़ाक लगला उड़ी उड़ी कौटी आश्रय नब देखिला धर्म माने भगवान वेदव्यास धर्मपत्नी जहाँ तीनोटी ना वर्णना करणी देवी श्रियादची यही भाव नामकरण कर तो से देवी कौन करस धर्मपत्नी अगर गोटे जगार बिटिका बोली कह निजे स्नान सारी माँ कौन करजर केश को झाड़ू समय आंटी मेला ही जा बेले बेले आपण मैंने हाई मारा बेले आपण मैंने केत असावधानता वर्ष तो कथबार्ता है पड़े मशा पची जाती बाटिक तंटे पशु काशी काशी पा पी कौन करती सेमती ये जो सुखदेव सुगा पक्षीटी उड़ी जाऊला ये तो साक्षात तो भगवान शंकर तपस्या फल ये कौन आनाश हम ज्ञान केवे नष्ट हुए ना नही ज्ञान ना सदृशंग पवित्र मिह विद्यते ज्ञान ठारू पवित्र वस्तु ये सृष्टि किसी ना भगवान होती साक्षात ज्ञान स्वरूप तेणु आज निजे जा शुक पक्षी कौन कले से ही गर्भ भितर को प्रवेश कर गले प्रवेश कर शंकर भगवान देखिले अरे ये तो जड़े स्त्री लोक आ मुझे भाग परम भागवत ही जदि गोटे स्त्री की हत्या करी ये तो अधर्म हम कहीं शास्त्री में कहा जा स्त्री गर्भिणी शिशु बध पाप पर गोविंद गोविंद पदुगड़ुछि मकरंद हे हांक नाश जे करंती आयुष थाउ से मरंती गोविंद 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 मकरंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की जय। स्त्री गर्भिणी शिशुबद्ध पापंक मध्ये परमाद स्त्री हत्या गर्भिणी हत्या शिशु हत्या या ठारु जघन्य पाप आउ किछि नाही तेणु चिंता कले अरे अरे मुझे कौन करी ना 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 ये स्त्री लोक को मारवा उचित हेनी से शंकर भगवान फेरी आसिले से दिन ठारू भगवान शंकर तपस्यार पुत्र अर्थात परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी जेहेतु सुकरूप धरिकी आसते से मातृ गर्भरे धीरे 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 बढ़िया को लगे दिने नुहे दी दिन नुहे दीर्घ बार वर्ष काल मातृ गर्भरे जो रही सतकथा आजिकालिका कली जुगरे जदि माँ मैंने दस मस दस दिन बा गोटे डाक्तर निर्दिष्ट समय देती तारीख में तुम पिला छुआ हम जदि से ही समय अतिक्रम करगला आम बड़ व्यस्त ही पड़चे डाक्तर परामर्श दरकार कौन 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 करने को कि सी सतानी बार वर्ष रहा बापा माँ व्यस्त ही नथिबे तो व्यासदेव से गर्भ को हाथ जोड़ी कहले हे गर्भपुरुष किए आपण मातृ गर्भरे एते दिन है रही पदा को आसुना बिचरा माँ को केते कष्ट होची गर्भरे थाई पुह उत्तर दौची कौन देखु ये हूँ से संस्कृति ये संसार हूँ मायापूर्ण वृक्ष तलरे जन्ने आसी पथुकी विश्रामती बसी पुणी चलती श्रम सारी से वृक्ष नुहे कहारी तेमंत ये माया संसार के पुत्र के का पियर ये संसार हूँ छलनापूर्ण मायापूर्ण मत माया लगे तेणु समस्त उल्लग्न ही सृष्टि जन्म नहीं मत मातृहंता दोष लगे मुझी ना भगवान वेदव्यास आश्चर्य हेले कह अच्छा आसवनी जदि कौन कह कौन
ना समस्ते उल्लग्न ही आसछंती मते उल्लग्न होइकिर जन्म नेले मातृहंता दोष लागिबो तेणु वज्र काछा जेमती हनुमान जी वस्त्र पिंधिकिर जन्म होइतिले सेमती परमहंस चूड़ामणि काछा परिधान करी प्रकट होइछंती बोल सुखदेव भगवान की जय। जं प्रपजन्दमनुपेतमपेत कृत्यं दैपहन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो भिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। बोल सुखदेव भगवान की जय। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी जं प्रपजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं तंकर दृष्टि टी एभली हो जाइला जे से जुआड़ को चाहूल जंग माने जुआड़ को चाहूल कृत्यकृत्य होते भगवत दृष्टि हो जाता सबुटी से भगवान को देखुले एक कथा के जन्म पर हुए बहुना जन्म नामते ज्ञान मान मां प्रपद्यंते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीतार कहले अनेक जन्म अतिक्रम कला क्या भाग्य मिले सबुठ भगवान दर्शन दिंती सबुटी भगवान अच्छा तेणु आज परमहंस चूड़ामणि सबुटी ब्रह्मभूत दर्शन है जहाँ जहाँ नेत्र स्पुरे जोड़ी जोड़ी नेत्र पड़ा खाली भगवान ही देखागले भगवान देखागले सुखदेव चली ना थे बापा को बापा बोली डाकिले ना थे माँ को माँ बोली डाकी चली चली पछे पछे व्यासदेव गोड़ डाकुं हे पुत्र अरे बापा फेरिया हे पुओ फेरिया पुओ कौन उत्तर देला जानी बापा पुओ को डाकुं पुओ फेरिया पुओ बापा को भी पुओ संबोधन कले से गछलता मान द्वारा उत्तर कौन दे जानी कहे हे पिता आपण सेना मत डाकुं पुत्र मु भी आपण को संबोधन करुच्ची पुत्र वृक्ष तल रे जेने आसी पथुची विश्रामती बसी गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद पुणी चलती श्रम सारी से वृक्ष नुहई कहारी गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद पुणी चलती माया संसार के पुत्र के कहा पियर गोविंद 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 पदुगढ़ मकरंद बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। से सही कहले बापा ये किए बापा किए पुओ ये संसार नुहई कहारी नबल मोहरी मोहरी ये संसार कहारी नुह किए आपणकर पुओ किए आप किए कहार बापा बड़ दुख लगला व्यासदेव एत दिन प्रतीक्षा कलापर भगवान पुत्र सन्तान टे देते जे हेले से पुओ आदरणीय बापा बोल कि पलै जा पुओ तो बाटे गोटे परीक्षा केन्द्र पड़गला से परीक्षा केन्द्र कौन कि ना देवांगना मान आस कौन कर स्नान कर तो जितेबाला देवांगना मैंने स्नान करई बाट दे परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी जाने देहर वस्त्र ना उलग्न रूप से स्नान करुले कि सुखदेव गोस्वामी की देखला तत्णत उठिकी आसी कौन कले समस्ते साष्टांग प्रणाम कले व्यास तो पचर गोड़ दूरे थे देखिले अरे अरे ये कौन पानी भितर गाधोवा झील पिलागुड़ी से आसी मो पुओ को देखिकी एत भक्ति कर दंडवत प्रणाम कर बड़ा आश्चर्य कथ ये किंतु सुखदेवंकर ना किसी क्रिया अच्छी ना विक्रिया अच्छी ना प्रतिक्रिया अच्छी सी तो सबुटी ब्रह्मभूत दृष्टि हो जाता से गछ लता पत्र सबुटी भगवान को ही केवल देखुले अन्य कथा किसी ना जही जा देखुची प्रभु सबु तुम सर्जना से सबुटी केवल भगवान को देखुले से नारी रे भगवान पुरुष रे भगवान गछरे भगवान पत्र रे भगवान जल स्थल वन गिरी आकाश सबु सबुठारे तुम लीला प्रकाश प्रभु सबुटी अच्छा ये भावना तर व्यासदेव दूर देखिल रे ये कौन झील गुड़ाक जा मुंडिया मारे मो पु पलैगला किसी भी कहलानी अच्छा हौ मु देखा कौन होते व्यासदेव से पहुँची जो झील गुड़िक पुओ को देखी आसी साष्टांग दंडवत प्रणाम कले से व्यासदेव बुढ़ा लोकता देखला निज अंग को लुचे पा भितर व्यासदेव कहला है
ତୁମେ ମାନେ ବୟସରେ ମୋର ଝିଅ ହେବ କି ନାତୁଣୀ ହେବ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ମୋର ଆଉ ସେ ବଳ ଅଛି ନା ସେ ବେଳ ଅଛି? ମୋତେ ଦେଖି ତୁମେ ଯାଇ ପାଣିରେ ଲୁଚୁଛ, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ 12 ବର୍ଷର କିଶୋର ବୟସ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆସି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲ, ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଇଏ।